के हूँ, जहाँ पा लिया है तुम्हें पाके हूँ, जहाँ पा लिया है जमी तो जमी आसमां पा लिया है तुम्हें पाके हूँ, जहाँ पा लिया है तुम्हें पाके हूँ। शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 11/5/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग, हाँ, जन्म जन्मांतर से हम श्रीमद् भगवद गीता सुनते आए हैं, लेकिन कुछ कुछ महावाक्य उसके अंदर अब भी शिव भगवान वाच जो थे वही के वही हैं। तो शिव भगवान ने कहा निश्चय में ही विजय है। हाँ, गीता के अनुसार बोले तो संस्कृत में निश्चय बुद्धि विजयंती। तो मीठे मीठे बाप दादा ने आज यही बात कही है कि मीठे बच्चे, विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं, वो हमें साथ में ले जाएंगे, तो इस निश्चय में कभी भी संशय न आए, क्योंकि गीता भी कहती है संशय बुद्धि विनश्यन्ति। अगर निश्चय में संशय आ गया तो फिर बाबा कहते उतरती कला होगी। प्रश्न है विजयी रत्न बनने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है उन्हें कभी किसी भी बात में संशय नहीं आएगा, वह निश्चय बुद्धि होंगे। उन्हें निश्चय होगा कि ये संगम का समय है, उन्हें समय में भी निश्चय होगा अब दुख धाम पूरा हो सुख धाम आना है। नंबर दो है बाप ही राज योग सिखला रहे हैं, वही देही अभिमानी बनाकर हमें साथ में ले जाएंगे। कहाँ? जिस घर में जाने के लिए हम दर दर भटके और ढूंढा, वह अभी आत्माओं से बात करते हैं। कौन? स्वयं परमपिता परमात्मा जो हमें साथ ले जाने वाले हैं, वही हमसे बात करते हैं, हम उनके सन्मुख बैठे हैं। नंबर तीन है हमारा वह बाप भी है राजयोग की शिक्षा देते, इसलिए वह शिक्षक भी है और शांति धाम में ले जाएंगे इसलिए सतगुरु भी है। तो ऐसे निश्चय बुद्धि हर बात में विजयी होंगे। गीत बजा है तुम्हें पाके हमने, जहाँ पा लिया है जमी तो जमी आसमा पा लिया है। धारणा के लिए बातें नंबर एक है सच खंड का मालिक बनने के लिए बाप से सच्ची कमाई करनी है। बाप जो उस्ताद है उसकी याद में रहकर माया जीत बनना है। नंबर दो है बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर पूरा ध्यान देना है, उन शिक्षाओं को अच्छी रीति धारण करना है। वरदान है हदों से न्यारे रहकर परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले रूहानियत की खुशबू से संपन्न भव। जैसे गुलाब का पुष्प कांटों के बीच में रहते न्यारा और खुशबूदार रहता है, कांटों के कारण वो बिगड़ नहीं जाता, ऐसे रूहे गुलाब जो सर्व हदों से व देह से न्यारे हैं, किसी भी प्रभाव में नहीं आते तो वे रूहानियत की खुशबू से संपन्न रहते हैं। ऐसी खुशबूदार आत्माएं बाप के व ब्राह्मण परिवार के प्यारे बन जाते हैं। परमात्म प्यार अखूट है, अटल है, इतना है जो सभी को प्राप्त हो सकता है, लेकिन
उसे प्राप्त करने की विधि है क्या? बाप का अकूट प्यार कैसे प्राप्त करेंगे? बाबा कहते हैं न्यारा बनना है, न्यारा बन करके प्राप्त कर सकते हैं। स्लोगन है अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए व्यक्त भाव और भावनाओं से परे, यानी व्यक्तियों को देखें परंतु उसके व्यक्त भाव को न देखें, उसके अंदर के भाव को पहचाने और भावनाओं को पहचाने और उनसे फिर हम दूर रहना पड़ेगा। हमें दूर रहेंगे तभी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होगा, नहीं तो हम प्रभावित हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।